परेशानी है और सन टैन की परेशानी से आप एकदम से परेशान हो चुके हो और एक ऐसी रेमेडी चाह रहे हो जो कि आपकी स्किन की इस परेशानी को एकदम से खत्म कर दे और आपकी स्किन में फिर से वही रौनक और फिर से वही जान लेकर के आए, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। इसलिए आज का वीडियो देखना 100% मस्ट है। आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के YouTube चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे YouTube वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसलिए बेल आइकॉन को क्लिक करना तो 100% मस्ट है। दोस्तों ऐसे टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ गया है कि आज मैं कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो यस, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ वो है सन टैन की परेशानी। देखिए सन टैन की जो परेशानी है होती है ना, ये लोगों के मन में ये होता है कि भाई धूप में जा रही हूँ ना, मेरा फील्ड ऐसा है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा धूप में खड़ा रहना पड़ता है जिसके कारण मुझे सन टैन की परेशानी हो गई है। यस, अगर आप धूप में रहते हैं तो आपको सन टैन की परेशानी होती है, सत्य है कि धूप में अगर आप जाते हो तो आपको सनटैन की परेशानी होती है, लेकिन दूसरा और भी कारण है जिसके कारण से आपको सनटैन की परेशानी होती है या फिर आपको लगता है कि आपकी स्किन मीन्स सनटैन हो चुका है बट आपकी स्किन को टैन नहीं होता है, वो आपकी स्किन के ऊपर धूल डर्ट का इतना लेयर आकर के बैठा रहता है कि आपकी रंगत एकदम से दब जाती है, आपकी रंगत एकदम से कम हो जाती है जिसके कारण आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल लगती है, एकदम से मुरझाई लगती है, बेरौनक लगती है और आपको लगता है कि हाय मुझे तो सनटैन की परेशानी हो गई है। अब सोचते हो कि धूप में तो गई ही नहीं हूं मैं या फिर गया ही नहीं हूं मैं तो फिर मेरी रंगत ऐसे कैसे हो गई। देखिए अगर आप हफ्ते में एक बार स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश नहीं करते हो, अच्छे से स्क्रबिंग का काम मीन्स स्क्रब अच्छे से आप नहीं करते हो तो भी आपको आपकी रंगत है ना आपको कम लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाते हैं, धूल आता है, डर्ट आता है जो लेयर वाइज जो है आपके चेहरे के ऊपर मीन्स रहना शुरू हो जाता है और जिसके कारण आपकी जो रंगत है ओरिजिनल रंगत वो दबनी शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हो, देखिए हमें क्या लगता है कि हम धूप में जाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा हानिकारक जो है ना मेरी स्किन के लिए ना धूप ही है। यस धूप है बट धूप से कहीं कोई बहुत ज़्यादा कम हानिकारक किचन में अगर आप काम करते हो तो वो नहीं है। अगर आप किचन में काम करते हैं तो उसका जो धुआं होता है, आप सब्जी बनाते हो उसका जो धुआं होता है, कवर किए हुए हो आप, कवर उसका हटाते हो, कवर अगर आप सामने रखते हो तो आप कभी आप फील कीजिए मेरी इस बात को कि जो कवर से धुआं आता है वो सीधा आपके चेहरे के ऊपर आता है, जो स्टीम निकलता है और वो स्टीम कहीं ना कहीं आपकी स्किन को हार्म कर रहा होता है, ठीक है ना। आप फुलका बनाते हो उसका धुआं, आप मीन्स जो आप किचन में जो आप काम कर रहे होते हो उसका जो धुआं लगता है वो धुआं भी सन टैन का कारण बन जाता है। यानी कि भैया सन जो है यूं ही बदनाम है, किचन का धुआं कम हानिकारक नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि भैया धूप के कारण आपकी रंगत खराब हो चुकी है या फिर किचन में काम करने के कारण आपकी रंगत खराब हो गई हो, चाहे भाई रीजन कोई भी हो, आपकी रंगत जो है एकदम से साफ हो जाए, आपकी रंगत फिर से वही हो जाए, तो भाई आज मैं जो बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ, जितना बता रही हूँ, सब कुछ सेम टू सेम अगर आप करते हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि एक बार में आपको फर्क दिखेगा। लेकिन 100% रिजल्ट के लिए इस पैक को अगर आप हफ्ते में 3 बार लगाते हो तो 1 वीक में ही आपको आपकी स्किन की रंगत में, आपको आपकी स्किन जो टैन हो चुकी है उसकी परेशानी में, उन सब में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन ज्यादा प्यार मोहब्बत में थोड़ा दिस थोड़ा डैट कर लोगे आप, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगी कि छवि मैं लगाई मुझे ये हो गया वो हो गया, नहीं जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है, कुछ भी ज्यादा कम नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञान की बात को विराम देते हैं और शुरू कर देते हैं इस पैक को बनाना। इस सुपर से भी ऊपर वाले फेस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है टमाटर। अब भाई टमाटर सुन के टेंशन लेने की बात नहीं है, टमाटर फिर से सस्ता हो गया है और जैसे कि टमाटर हमारी स्किन के लिए
बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। टोमेटो का मेन काम जो होता है ना, हमारी रंगत को निखारता है, साथ ही साथ अगर आपको ओपन पोर्स की परेशानी है, ओपन पोर्स की परेशानी को तो बहुत हद तक जो है ये ठीक करता है, आपकी छुपी हुई खूबसूरती को निखारता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो आपको क्या करना है, एक टमाटर लेना है, या तो उसको ग्राइंडर में आप ग्राइंड कर ले या फिर ग्रेटर में ग्रेट कर ले। हमें उसके पल्प की आवश्यकता है, यानी कि सिर्फ टोमेटो जूस की आवश्यकता नहीं है, पल्प भी साथ में आपको लेना है, ठीक है। तो एक टमाटर छोटा सा ले ले और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले या ग्रेटर में ग्रेट कर ले और एक बाउल में अच्छे से आप निकाल ले। मैं क्या कर रही हूँ, तकरीबन 2 स्पून के करीब में जो है पल्प और साथ में जूस भी ले रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट ये हो गया। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है कॉफी। अब कॉफी आपके पास जो भी ब्रांड का कॉफी हो आप ले सकते हो, क्योंकि कॉफी के अंदर होता है कैफीन जो हमारे स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, साथ ही साथ हमारे पोर्स को भी श्रिंक करता है। और कॉफी के अंदर इतने बेहतरीन गुण होते हैं कि सनटैन की परेशानी को दूर करता है। तो कॉफी पाउडर आपको ले लेना है 1 स्पून। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो ऐड करना है राइस फ्लावर, वही जो चावल का जो आटा होता है ना वो आपको ले लेना है। देखिए चावल का आटा जो है ना हमारी स्किन को नेचुरली स्क्रब कर देता है। जो मार्केट का आप स्क्रब लेते हो वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी स्किन को हार्म करे। मान लीजिए आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं बेझिझक कोई भी पैक इसलिए बताती हूँ, कोई भी पैक इसलिए मैं आपको आप सबके साथ इंट्रोड्यूस करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है ये नेचुरल है। नेचुरल चीज आपकी स्किन से कुछ भी खराबी नहीं करने वाला, आपकी स्किन को कुछ हार्म नहीं करने वाला, आपकी स्किन को देने ही वाला है, आपकी स्किन से कुछ लेने वाला नहीं है। तो जो ये सनटैन रिमूवल पैक है इस सारे स्किन टाइप्स वालों के लिए, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेंसिटिव क्यों ना हो, जो ये राइस फ्लावर है दोस्तों आपकी स्किन को व्हाइटन ब्राइटन लाइटन तो करता है, साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपके चेहरे के ऊपर जो ब्लैक हेड्स है व्हाइट हेड्स है इजिली रिमूव हो जाए बिना किसी हार्म के, तो उसमें भी राइस फ्लावर को महारत हासिल है, यानी कि जो चावल का आटा होता है वो उसे, ठीक है। तो राइस फ्लावर मैं ले रही हूँ 2 स्पून, एकदम ध्यान से सुन रहे हो ना, ठीक है, वैसे ही 2 स्पून आपको ले लेना है राइस फ्लावर। अब जो दोस्तों इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है कर्ड, यानी कि दही। लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, साथ ही साथ हमारे पोर्स को श्रिंक करता है। अगर आपको ओपन पोर्स की परेशानी है, ओपन पोर्स की परेशानी को दूर करता है। लैक्टिक एसिड है ना, ये आपके अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, झाइयां है, उन सब के ऊपर तो कमाल का काम करना करता है। तो जो दही लेना है दोस्तों एकदम ध्यान से सुने, आपको एकदम थिक पार्ट उसका लेना है, थोड़ा सा भी पानी नहीं लेना है। आप चाहे तो उसको मलमल के कपड़े में या फिर स्ट्रेनर के हेल्प से दही को स्ट्रेन कर ले और जो उसका जो पल्प है यानी कि दही का जो थिक पार्ट है वो आप ले ले। जो मैं दही यूज कर रही हूँ एकदम थिक दही यूज कर रही हूँ, और दही आपको ले लेना है 2 स्पून। अब इन सबको आपको अच्छे से करना है मिक्स, एकदम अच्छे से मिक्स करना है, जो कि एक अच्छा सा जो पैक जो है बन के वो रेडी हो जाए। जब आपका पैक बन के रेडी हो जाता है उसका साफ सुथरे चेहरे के ऊपर एकदम साफ सुथरा आपका फेस होना चाहिए, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, इस पैक को लगाना है। अंडर आई नहीं लगाना है क्योंकि इसके अंदर राइस फ्लावर है। पूरे फेस के ऊपर, पूरे नेक के ऊपर आपको अच्छे से लगाना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसे अपने चेहरे के ऊपर, मैं इसे अपने चेहरे के ऊपर पूरे 30 मिनट्स छोड़ी थी, 30 मिनट छोड़ी थी। तो आप चाहें तो 15 से लेकर के 30 मिनट के बीच में आप छोड़ सकते हो, 15 to 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए छोड़े। और उसके बाद जब आप इसको वॉश कैसे करना है दोस्तों, अपने पाम को थोड़ा गीला करना है। गीला करने के बाद क्या करना है, अपने फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज करते हुए 20 to 30 सेकेंड मसाज करना है, और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। आप फेस को वॉश करके आते हो, आपके चेहरे में एक गजब का ग्लो दिखता है, एक गजब की चमक दिखती है आपके चेहरे में। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और तुरंत आपका फेस रेड हो जाता है, तो मैं आपको कहूंगी आपको स्क्रब करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 5 सेकेंड के लिए हल्के हाथों से इस तरह से आप मसाज करें, और उसके बाद आप फेस को वॉश कर लें।
जब फेस को वॉश करके आते हैं उसके बाद रोज वाटर या फिर टोनर का इस्तेमाल जरूर करें, और उसके बाद आपका जो भी फेवरेट सन क्रीम है, मॉइस्चराइजर है, उसका इस्तेमाल करें और उसके ऊपर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अब बात कर लेते हैं कि इसको हफ्ते में कितने बार लगाना है। तो मैं जैसे बताई हूँ, हफ्ते में 3 बार लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज्यादा लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको सिर्फ 3 बार। अब इसको लगाने की उम्र क्या है, तो भाई अगर आपकी उम्र हो गई है 10 साल की तो बेटा आराम से इस पैक को लगा सकते हो हफ्ते में 1 बार, उससे ज्यादा आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। 10 से लेकर के 18 साल की उम्र अगर आपकी है तो हफ्ते में 1 बार सफिशियंट है, उससे ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। 18 साल से आज के दिन में आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, आप इस पैक को हफ्ते में 3 बार लगा सकते हो। आप इसे पूरे बॉडी में, आप इसे फुल बॉडी में लगा सकते हो। मैं तो इसे अपने पूरे हाथों में लगाई हूँ, जो बचा हुआ था पूरे हाथों में लगाई हूँ, तो मुझे मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट और सफल लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल ब्यूटी विद छवि। अगर अभी तक आपने मेरे न्यू चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा जो नया चैनल है उसका नाम है सोर्स बुक ग्लैमर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।